अरे मुदस्सिर भाई, ये क्या कर रहे हो? कुछ ठीक करने की कोशिश करो मगर ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक कर रहे हो? पाकिस्तान का मेडल ऑर्डर। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पे दबी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मेरे साथ आपके लिए दो न्यूज़ है। पहली जो बुरी न्यूज़ है वो है कि कल पाकिस्तान मैच हार गया, और दूसरी भी बुरी न्यूज़ है वो है कि तीनों मैचों में पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर नहीं चला। तो सबसे पहले हमने दोस्त सुदेश को बुलाते हैं, और हमारी टीम का जो है मसला है वो ये है कि हमारा कैप्टन बहुत डिफेंसिव माइंड सेट का है। मानता हूँ कि बाबर आजम स्कोर करते हैं मगर वो उसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अरे कहना क्या चाहते हो? और आधा मैच तो हम पावर प्ले में ही हार जाते, 36 बॉल्स पे अगर हम 38 और 40 रन बनाएंगे तो कैसे जीतेंगे? और हमें सीना कंट्रीज को देखना चाहिए, जैसे उनको पावर प्ले में उनकी दो तीन विकेट्स गिर भी जाती है फिर भी वो 70-80 स्कोर करते हैं, और जैसे उनका रन रेट 10 से नीचे आते हैं वो बिग शॉट्स के लिए जाते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हमारा मिडल ऑर्डर जो है ना वो भी छक्के मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आउट हो जाते हैं कैचेस पे। जब आउट होते उनको इनिंग्स बिल्ड करना नहीं आता। सबसे जो मसला है ना, उनको इनिंग्स बिल्ड करना नहीं आता। कोई 10 बना के 12 बॉल पे 10, कोई 12 बॉल पे 11 रन बना के बस आउट हो जाते। और इसकी हल ये भी हो सकता है कि हम फखर जमान को प्रमोट करें जैसे सरफराज की कैप्टनसी में होता था। बिल्कुल, और आपको तो पता है पहले से ही मैं उसके हक में, उस अगर फखर जमान को हम प्रमोट कर दें मिडल ऑर्डर हमारा इसलिए स्ट्रांग हो जाएगा कि बाबर आजम जो है ना वो नीचे से जो है ना इनिंग्स संभाल लेंगे। बिल्कुल, और अगर देखा जाए सरफराज की कैप्टनसी में ना हमारा कीपर नंबर वन था ना हमारा कैप्टन नंबर वन था, मगर हमारी टीम नंबर वन थी। और अभी हमारा कीपर और कैप्टन दोनों नंबर वन है मगर हमारी टीम नंबर वन नहीं है। गजब बेइज्जती है। इससे ये पता चलता है कि टीम में लाइकिंग डिसलाइकिंग का कुछ ना कुछ चल रहा है, और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारा टीम का मेडल ऑर्डर है ही नहीं। यानी इफ्तिखार खुशनिक से किस बेस पे सेलेक्ट किया गया है ना, ये लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। ये ऐसा है कि हमारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये मसला ये है कि PSL में एक इनिंग खेलो और बस टीम में सिलेक्शन हो गई आपकी। हैदर अली है, एक दफ़ा PSL में उन्होंने मतलब पूरी सीजन उन्होंने परफॉर्म किया था कुछ और जन्म के, और फिर इसको उसके बाद कुछ नहीं किया। और हम सारे ये समझ रहे थे कि रमीज राजा कहने से हमारी टीम सही हो जाएगी, लेकिन वो भी बाबर आजम की तरह डिफेंस हो गए। वो बाबर आजम को डिफेंड करते हैं हर बात पे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमें देखो, हमें डिफेंड जो है ना वो हम अभी करेंगे बाबर आजम को डिफेंड, लेकिन ऐसा है कि हमेशा जो है ना आप माइंड सेट को भी आपने देखना होता है कि किस माइंड सेट से आप खेल रहे हो। और ये जो हमारा माइंड सेट है हमें शॉर्ट टर्म जीता सकते हैं मगर लॉन्ग टर्म में नहीं जीता सकता, क्योंकि आजकल अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे भी हमसे एग्रेसिव खेलती है। बिल्कुल, हम 150-160 तक या 170 चलो गया उधर तक तो हम चेस कर लेते, लेकिन उससे आगे हम चेस नहीं। जमाना 210-220 पर चला। हाँ बिल्कुल, और मेलबर्न में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में रिजवान जो है ना वो रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉल जो है ना वो एक्स्ट्रा बाउंस होगा, और पाकिस्तान की टीम वीकनेस ही बाउंसेस है। तो अगर कि कोई भी टीम जो है ना वो हम पे अटैक करेगी तो शायद पाकिस्तान जो है ना वो 160-170 बहुत मुश्किल से बनाए। और अगर हम देखें तो रमीज राजा साहब ये भी बोल रहे हैं कि बाबर आजम की ये एक क्वालिटी है कि हमेशा हम फाइनल तक हमें पहुंचा रहे हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें क्रेडिट मैं बॉलिंग को देना चाहता हूँ क्योंकि हमेशा हमारी बॉलिंग जो है ना वो बहुत एफर्ट्स करती है, और मतलब हमारी टीम को जो है ना मेन जो सपोर्ट है वो बॉलिंग क्योंकि हमारा शाहीन भी इंजर्ड था इतने महीने में, लेकिन हमें उनकी कमी महसूस नहीं हुई। जिस तरह नसीम शाह और हारिस खेल रहे थे, और वर्ल्ड कप के लिए हमने अपनी बॉलिंग को टेस्ट भी किया है। एशिया कप में हमारी बॉलिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉलिंग कमजोर है, लेकिन अगर बॉलिंग को भी कुछ चाहिए रन डिफेंड करने के लिए, और मेलबर्न में तो कम से कम 180 तक तो चाहिए होता है, और अगर आप फिर भी स्लो खेलोगे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जीत जाएगा। सेमीफाइनल तक तो हम पहुंच जाएंगे, और रमीज राजा साहब फिर बोलेंगे हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल में तो हमारी एक टीम से मुकाबला है, साउथ अफ्रीका या इंडिया। बिल्कुल, तो उधर तो पहुंच सकते हैं लेकिन आगे फिर मसला होगा। बॉलिंग फिर कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको बैटिंग में करना पड़ता है सब कुछ। जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आज हमारा वीडियो बनाने का प्लान नहीं था मगर पाकिस्तान की जो आजकल की परफॉर्मेंस है वो क्रिटिसिज्म के काबिल है। और अगली वीडियो हमारी वर्ल्ड कप पे होगी, तो हमारे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।